धूप है, धूप में बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर जाते हैं तो सनबर्न इधर इधर सब तरफ, कैसे होगा इससे बचाव जानेंगे। लेकिन इससे पहले शकुन अपशकुन, आज हम सपने की बात नहीं करेंगे, आज असलियत की बात करते हैं। अगर खाना खाते समय आपकी टंग कट जाए तो ये अच्छा शकुन है, इसका मतलब कोई गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। पर अगर किसी की ज़ुबान किसी से बात करते समय अचानक दांतों से कट जाए तो ये अपशकुन है, इसका मतलब उस समय कोई व्यक्ति आपकी बुराई करने में लगा है। तो क्या करें, अगर किसी शुभ काम से बाहर निकलें और रास्ते में कोई आपको ऐसा इंसान मिले जिसको हैंड्स की प्रॉब्लम है या मतलब जो हैंडीकैप है, तो ऐसे में उनकी मदद ज़रूर करें क्योंकि ये अच्छा शकुन है। धूप में सनबर्न से तो बचें, जो जो चीज़ मैं बता रही हूँ इसको यूज़ ज़रूर करें। क्या करें कि 2 चम्मच वाटरमेलन का जूस ले लें, 2 चम्मच ककड़ी का जूस ले लें, 1 चम्मच या पाउडर्ड मिल्क ले लें। इन सबको घोल के अच्छी तरह पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर ठंडे पानी से धो लीजिए। सनबर्न से स्किन का बचाव होगा और जो अब तक हो गया है वो भी हटने लगेगा। आपको बताती हूँ एक स्पेशल उपाय जो आपकी प्रॉब्लम्स करेगा दूर। अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत समय से स्टेबल है तो उसमें बढ़ोतरी के लिए क्या करें, थर्सडे को छोटा सा मिट्टी का मटका खरीदें। मिट्टी का मटका खरीदने के बाद उसे ले लें हाथ में, पीले कपड़े में उसे रैप करें और पीले धागे से बांध लें, फिर इसे घर में टांग दें। अगले थर्सडे इसको उतारें, नया मटका टांग दें और उतरे हुए मटके का क्या करें, उतरे हुए मटके को बहते पानी में बहा दें। 7 थर्सडे तक ऐसा करें, प्रॉपर्टी में ग्रोथ होगी, रुकी हुई प्रॉपर्टी में मूवमेंट आएगी। आज हम सपने की बात नहीं करेंगे, आज असलियत की बात करते हैं। अगर खाना खाते समय आपकी टंग कट जाए तो ये अच्छा शकुन है, इसका मतलब कोई गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। पर अगर किसी की ज़ुबान किसी से बात करते समय अचानक दांतों से कट जाए तो ये अपशकुन है, इसका मतलब उस समय कोई व्यक्ति आपकी बुराई करने में लगा है। तो क्या करें, अगर किसी शुभ काम से बाहर निकलें और रास्ते में कोई आपको ऐसा इंसान मिले जिसको हैंड्स की प्रॉब्लम है या मतलब जो हैंडीकैप है, तो ऐसे में उनकी मदद ज़रूर करें क्योंकि ये अच्छा शकुन है। आपको बताती हूँ एक स्पेशल उपाय जो आपकी प्रॉब्लम्स करेगा दूर। अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत समय से स्टेबल है तो उसमें बढ़ोतरी के लिए क्या करें, थर्सडे को छोटा सा मिट्टी का मटका खरीदें। मिट्टी का मटका खरीदने के बाद उसे ले लें हाथ में, पीले कपड़े में उसे रैप करें और पीले धागे से बांध लें, फिर इसे घर में टांग दें। अगले थर्सडे इसको उतारें, नया मटका टांग दें और उतरे हुए मटके का क्या करें, उतरे हुए मटके को बहते पानी में बहा दें। 7 थर्सडे तक ऐसा करें, प्रॉपर्टी में ग्रोथ होगी, रुकी हुई प्रॉपर्टी में मूवमेंट आएगी।